दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में दोस्तों काफ़ी सारे साथियों का मुझे फीडबैक था कमेंट था कि सर बजाज का बी एस का जो ऑटो है वो आ चुका है उसका आप पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के आइए तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस ऑटो की कीमत प्राइस माइलेज स्पेसिफिकेशन अगर आप इसको लोन वगैरह करवा के लेना चाहते हैं तो उस सब की जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चाहें तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो दोस्तों बजाज ने अपने बी जो ऑटो हैं इनको सी एलपीजी और पेट्रोल तीनों ही फ्यूल ऑप्शंस के साथ में लॉन्च किया है हम बात कर रहे हैं आज सी एनजी वेरियंट की जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर मिलता है देखने के लिए और पीछे का जो लुक है काफी खूबसूरत है बारह इंची के आपको यहाँ पर टायर मिल जाते हैं जो हालांकि ट्यूबलेस तो नहीं है लेकिन ट्यूब टाइप टायर आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं तीन टायर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर और एक टायर आपको स्टेपनी के रूप में भी मिलता है यानी कि टोटल चार टायर आपको मिलते हैं बात करें दोस्तों इस गाड़ी के नए इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 236 सीसी का बी एस सिक्स इंजन मिलेगा जिससे आपको 9.2 पॉइंट की पावर मिलेगी और सिक्स किलोवाट के आसपास का ये इंजन होता है नए इंजन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट पाइप है इंजन से निकलने वाली जो रासायनिक जो गैसें रहती हैं कई मतलब हानिकारक गैसें रहती हैं उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक नया सेंसर लगाया गया है जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो बी के जो पॉल्यूशन मानक हैं उनको ये यहाँ पर मैचअप करता है और 16.19 पॉइंट के आसपास का टॉर्क मिलता है सैंतीस जो है आर के आसपास काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 180 सौ mm के आसपास जिससे कि आप जो है गली मोहल्ले की ऊबड़ खाबड़ रस्ते हैं आसानी से निकल जाते हैं गड्ढे वगैरह से और ब्रेकर वगैरह पे भी आपको यहाँ पर जाने में आसानी होती है क्योंकि सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है अब आपको पहले की तुलना में थोड़े जरक जो है वो कम लगेंगे दोस्तों इस ऑटो से आपकी जो चढ़ाई चढ़ने की क्षमता है वो पंद्रह प्रतिशत की मिलेगी यानी कि आप चढ़ाई पे अच्छे से चढ़ सकते हैं और इस ऑटो को दोस्तों अगर आप फाइनेंस के द्वारा लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इंदौर में इसकी जो कीमत है वो ऑन रोड लगभग ढाई लाख रुपए के आसपास है खाली ऑटो की बीस से पच्चीस हज़ार रुपये का और खर्चा आता है जो कि आप इसकी साज सज्जा करवा सकते हैं छत वगैरह लगवा सकते हैं तो अगर आप इसको फाइनेंस में लेते हैं तो आपको लगभग 30, 40, पचास हज़ार रुपये का अलग अलग स्कीम में आपको डाउन पेमेंट लेकर के आप इसको खरीद सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको इसका जो फ्यूल टैंक है यानी कि गैस टैंक है वो नीचे की साइड में दिया गया है जिसके अंदर आप लगभग चार साढ़े चार लीटर तक का आप जो है सी फिल कर सकते हैं और पचपन से पचास पचपन से साठ तक का आपको ये जो गाड़ी है आराम से माइलेज दे देगी तो दोस्तों काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है यानी कि किफ़ायती ये ऑटो है यहाँ पर बी सिक्स के अंदर कंपनी ने कुछ और चेंजेज़ किए हैं जैसे कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जैसे आपके पैसेंजर अंदर चढ़ते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैड मिल जाता है जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना जाए वो अपना पैर यहाँ पर रब करके साफ करके जा सकते हैं सीट काफ़ी चौड़ी हैं तीन लोग पीछे बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर यानी कि वैसे देखा जाए तो चार लोगों की इसमें सीटिंग होती है लेकिन हमारे ऑटो वाले जो भाई होते हैं तीन की जगह चार की जगह पांच भी बिठा ले जाते हैं अगर छोटे मोटे बच्चे होते हैं तो दोस्तों ये तो हो गया इसका सीटिंग अरेंजमेंट अब दोस्तों जगह का यूज

चौड़ाई है तेरह सौ पचास एम के आसपास और ऊंचाई जो है वो है सत्रह सौ बहत्तर एम के आसपास तो दोस्तों बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की काफी खूबसूरत इसको बनाया गया है जैसे कि आपके जो वाइपर की मोटर है उसको यहाँ पे कवर अप कर दिया है दूसरा स्पीकर वगैरह लगाने के लिए आपको अलग से एक जगह मिलती है दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपको दो मीटर मिलते हैं सामने की साइड में देखने के लिए राइट हैंड साइड में जो मीटर है उससे आप अपने लेवल को देख सकते हैं यानी कि सी या एल का जो लेवल है वो यहाँ पर शो करेगा और लेफ्ट हैंड साइड के जो मीटर है यहाँ पर आपको स्पीड और ओडो वगैरह जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी साथ ही आपको यहाँ पर वारा वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है तो दोस्तों नया ऑटो है ख़रीदिए और बस चलिए और दोस्तों यहाँ पर आपको चार स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है फ्रंट में और एक आपको रिवर्स गियर मिल जाता है इस ऑटो के ऊपर दोस्तों आपको चालीस हज़ार किलोमीटर की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से या वन ईयर और तीन सर्विस आपको फ्री मिलती है एक साल के अंदर तो ढाई लाख रुपए के आसपास का ऑटो है और बीस पच्चीस हज़ार रुपये का और खर्चा यानी कि ओवरऑल आपको पौने तीन से तीन लाख रुपये का ये ऑन रोड आपको ऑटो पड़ जाने वाला है इस ऑटो की दोस्तों जो मैक्सिमम स्पीड है वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की है हालाँकि 60 किलोमीटर स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सिटी के अंदर तो हम 40 के आसपास की ही स्पीड में इसको चलाते हैं तो दोस्तों अगर पसंद आता है ये रिव्यू तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अभी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं नई नई गाड़ियों की नए नए आपके अनुसार दिए गए कमेंट को पूरा करने की तो दोस्तों बस यही है बजाज का नया ऑटो जिसको कि कंपनी ने एल पी और पेट्रोल इस तरह के वेरियंट में निकाला है आने वाले कुछ समय में मैं और भी बजाज के नए जो वेरिएंट हैं या और भी पैसेंजर व्हीकल के अलावा और भी जो कार्गो व्हीकल है उनका भी रिव्यू आपके लिए लेकर के आऊँगा तो अगर आप चाहते हैं और किसी कंपनी के बारे में भी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए तो दोस्तों तो टोटल इसका जो वेट है इस ऑटो का 720 सौ के जी के आसपास है और काफ़ी बेहतरीन है भारत की सड़कों पे तो बजाज ऑटो का ही राज है और अब तो आ गया है बी एस इंजन जो कि आपकी प्रॉफ़िट को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है तो दोस्तों मुझे दीजिएगा आज्ञा और बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमने हर प्रकार की जानकारी आपको देने की कोशिश की है तो आज के लिए इतना फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत